हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको बेसिक वेल्डिंग सिंबल्स, ठीक है। बेसिक वेल्डिंग सिंबल्स और वेल्डिंग करने के बाद में सिंबल किस तरह से दिखता है, ये इस चीज़ के बारे में हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। ये सारे के सारे बेसिक सिंबल हैं वेल्डिंग के, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये 10 हैं बेसिक सिंबल जो बहुत ही काम आते हैं और इन्हीं को हम यूज करते हैं, ठीक है। पहला नंबर वन फ्लैट बेल्ट। फ्लैट बेल्ट जो होता है उसका सिंबल ये होता है इस तरह से। ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ठीक है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है। इस लाइन से हम लेके चलें तो सिंबल हमारा ये बनता है इस शेप में, ठीक है। सेकंड है हमारा वी वेल्ड। वी वेल्ड ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है। तो इस ये वी शेप का नीचे बनता है, ये हमारा सिंबल है वाला, ये सिंबल है, ठीक है। ये है डबल वी। ये रेफरेंस लाइन हो जाने के बाद में एक वी हो गया हमारा, एक वी हो गया, तो इस तरह से हमारा सिंबल बनता है, ठीक है। स्क्वायर में ये स्क्वायर हो गया, ऐसे ही बेवल में ये बेवल सिंबल हो गया हमारा, और डबल बेवल में ये ऊपर हो गया और एक ही नीचे हो गया डबल बेवल में, ठीक है। कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस में ये हमारा शेप हो गया कॉन्वेक्स का, तो इसको इसलिए इसको कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लैट, ग्राउंड फ्लैट ये रेफरेंस लाइन है, ये ग्राउंड फ्लैट ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राउंड, ये फ्लैट हो गया, तो इस तरह से इसको ग्राउंड फ्लैट बोलते हैं। ये है ऑल अराउंड, ये हो गया हमारा ऑल अराउंड, यानी चारों तरफ वेल्डिंग कर रहे हैं तो ऑल अराउंड हो गया। ये साइड साइड वेल्ड हो गया, ठीक है ना। ये रेफरेंस लाइन हुई, इस तरह से हम दिखाते हैं इसको साइड वेल्ड को। तो ये हमारे 10 बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं वेल्डिंग के, जो हमारे बेसिक वेल्डिंग सिंबल्स हैं, ठीक है। अब इसको फ्लैट को आ जाओ, फ्लैट को ये हमारा कोई प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट होगी हमारी, ठीक है। अब हमें ये वेल्ड दिखाना हमारा, ठीक है। तो हम कैसे दिखाएंगे, ये हमारी दूसरी प्लेट होगी, ये हमारी दूसरी प्लेट होगी, तो इस तरह से वेल्ड होगा, इस तरह से वेल्ड होगा, तो ये किस शेप में आएगा, फ्लैट वेल्ड, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये फ्लैट वेल्ड हो गया, ये ठीक है। ये हमारा ये मान लो, इसको ये मान लो रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन, तो इसलिए ये फ्लैट वेल्ड हो गया। ऐसे वी वी वेल्ड ये हमारा हो जाएगा, ये हम वी यहां हम वेल्ड कर रहे हैं, ये हमारा वी वेल्ड हो जाएगा, ये ठीक है। इस तरह से हम कोई दो मेंबर वेल्ड करेंगे तो वी शेप में बन जाएगा हमारे ये, तो इसलिए इसको बोलते हैं वी बेल्ट, ठीक है। डबल वी बेल्ट, एक वी ये बन गया हमारा, एक वी हमारा ये बन गया, ठीक है। तो इसलिए इसको हम डबल वी बेल्ट बोलेंगे, ठीक है। एक वी हमारा ऊपर बन गया, एक नीचे हो गया, इस तरह से दो मेंबर को इस शेप में एक ही शेप होगी, बेल्ट मेंबर की एक शेप होगी, इस तरह से हम वेल्ड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डबल वी, डबल वी। वेल्डिंग, ठीक है। ये सिंगल वी, ये फ्लैट वेल्ड, ठीक है दोस्तों। ऐसे स्क्वायर में करेंगे हम, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इस तरह से वेल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर वेल्ड हो जाएगा, ये इसको हम डिफरेंस लाइन मार लेते हैं, तो ये हमारा स्क्वायर शेप बन जाएगा, ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है। बेवल बेल्ट, बेवल बेल्ट ये है दोस्तों, देखो ये हमारा बेवल बेल्ट है, ठीक है। इस टाइप से हमारा बेवल बेल्ट बनेगा। ये हमारा फ्लैट बेल्ट है, फ्लैट बेल्ट है, ये हमारा बेवल बेल्ट, ठीक है, ये शेप में बनेगा। ऐसे ही डबल बेवल, डबल बेवल में भी ये ऊपर चला गया, एक ही नीचे आ गया, ठीक है। तो डबल बेवल बन जाएगा हमारा, ये
अगर हम बताएं आपको इसी तरह से बनेगा, एक ये हो जाएगा हमारा, इसी के बाद एक और हो जाएगा, ये हो गया। हमारा ठीक है, ये शेप आ गया, ये हमारी रेफरेंस लाइन मान ली शुरू आपसे, तो ये आ गया ऐसे करके, ठीक है। ऐसे दूसरा भी ऐसे बन जाएगा सेम इस शेप में, इसको हम कैसे कर देंगे, इसमें दिखा देंगे इसको। एक प्लेट हमारी ये हो गई दोस्तों, एक प्लेट हमारी हो गई, ठीक है, दो प्लेट हो गई, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, तो इस तरह से डबल वेव बन जाएगा, ठीक है। ऐसी कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स हमारा, जैसे हमारी एक प्लेट है हुई, ठीक है, तरह से ये हमारा कॉन्वेक्स बन जाएगा, ये एक प्लेट होगी हमारी, ये दूसरी प्लेट होगी, ठीक है, तो हमारा ये कॉन्वेक्स सरफेस बन जाएगा। ये ऐसे ही ग्राउंड ग्राउंड में मैं इसमें दिखा देता हूं आपको, ये फ्लैट हो गया, ठीक है ना, इसलिए इसको ग्राउंड बोल दिया है, ग्राउंड फ्रेश, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन होगी, तो ये हमारा ग्राउंड फ्रेश वेल्ड हो जाएगा। ये वेल्ड चारों तरफ से होगा, ये कोई भी हम किसी भी चीज को वेल्ड करेंगे, कोई भी मेंबर को ले लो, ठीक है ना, कोई भी एक मेंबर को पकड़ लो ऐसे करके, उसके चारों तरफ वेल्ड कर देंगे तो हमारा वो ऑल अराउंड हो जाएगा चारों तरफ में। ये साइड वेल्ड है, ये साइड वेल्ड है, ठीक है, ये डोनेट साइड को भी डोनेट करने का काम आता है, ठीक है ना, तो इसको हम साइड वेल्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये बेसिक 10 इंपॉर्टेंट वेल्डिंग सिंबल्स हैं। इसी तरह से ये जो है वेल्ड किया जाता है साइड पे भी प्लेट्स के अंदर में, ये ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखो, इसको समझो, तो साइड पे आप वेल्डिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ वेल्ड, कहाँ फ्लैट वेल्ड दिया जाता है, ठीक है, कहाँ वी वेल्ड दिया जाता है, कहाँ डबल वेल्ड दिया जाता है, कहाँ स्क्वायर वेल्ड, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।